पौड़ी के सिमड़ी में हुए बस दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन अब सुरक्षा को लेकर हरकत में आ गया है। दरअसल सड़क हादसे के बाद आरटीओ की तकनीकी टीम ने हादसे में प्रथम दृष्टया वाहन पर चालक के नियंत्रण खो देने की वजह बताई। वहीं आरटीओ अनिता चंद ने बताया कि उनकी तकनीकी टीम ने मौके पर जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सड़क काफी पतली है और कई स्थानों पर सुरक्षा मानक भी पूरे नहीं किए गए हैं। हालांकि सड़क दुर्घटना का जो मुख्य कारण प्रतीत होता है कि चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया होगा। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग और PGMSY के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया है कि उनकी जितनी भी सड़कें हैं उनके चौड़ीकरण, डामरीकरण और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे, ताकि जनपद की सड़कों की मरम्मत का कार्य भी शुरू हो सके। इसके साथ ही प्राथमिकता के आधार पर क्रैश बैरियर और सड़क डामरीकरण के कार्य को करवाया जाएगा। उन्होंने बताया इस पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसमें SDM थलीसेठ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया सड़क हादसों के बाद ही जिला प्रशासन जाग रहा है। पहाड़ों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि सड़कों का चौड़ीकरण और उनके डामरीकरण पर समय समय पर मॉनिटरिंग की जाए। इसके साथ ही जिन स्थानों पर तीव्र मोड़ है वहां पर क्रैश बैरियर लगाया जाए। पौड़ी से मुकेश पचेति की रिपोर्ट। जिस तरह से ये हादसे पहाड़ों में हो रहे हैं, ये एक शोचनीय विषय है। प्रशासन को इसकी सुध लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि सड़कों के काम लगातार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सड़कें गांव-गांव में निश्चित रूप से बन रही हैं, लेकिन उन सड़कों की वार्षिक मरम्मत जो होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रही, जिस हिसाब से हम लोग अपेक्षाएं करते हैं। जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है उस घटना स्थल को अगर हम देखते हैं तो वहां पर सड़क काफी चौड़ी है। RI टेक्निकल द्वारा भी निरीक्षण किया गया है और वहां पर देखा गया है कि जो रोड चौड़ी है, लेकिन जो चालक है उसने किसी तरह का अपना नियंत्रण खो दिया है, जिस कारण ये दुर्घटना हुई है। और सड़क पर पैराफिट भी नहीं बने हुए हैं और जहाँ पर मोड़ है वहाँ पर कुछ पैराफिट स्टार्ट होते हैं। अधिशासी अधिकारी जो हमारे प्रांतिक खंड के हैं और जो निर्माण खंड के हैं, PWD विभाग और PMGSY विभाग, इन सभी को निर्देश दिया है कि अपनी अपनी सड़कों पर जहाँ पर चौड़ीकरण की आवश्यकता है, जहाँ पर अंधे मोड़ दिखाई दे रहे हैं, उनका कार्यवाही जो है 1 माह के भीतर पूर्ण किया जाए। और जहां जहां पर रोड की हालत खराब नजर आ रही है उन सभी सड़कों को डामरीकरण के प्रस्ताव तैयार करके शासन को प्रेषित किया जाए।